तो हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। तो आपका भाई आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, हमारा कालू यहाँ पे भौंक रहा है कुत्तों के ऊपर, दो तीन कुत्ते हैं भरे। तो आपके भाई ने फिर से कह दिया व्लॉगिंग शुरू। तो अभी यार काफ़ी पहले छोड़ दी थी व्लॉगिंग करना, तो अभी सोचा कि यार दोबारा से कर लेते व्लॉगिंग, क्योंकि यार काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ रही थी, तो इसी कारण हमने व्लॉगिंग छोड़ दी। तो अभी काफ़ी अच्छे से चल रही है अपनी लाइफ, काफ़ी सारे चेंज आ चुके हैं और सही चल रही है, तो सोचा कि दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो अभी हूँ घर पे यार, घर से निकला हूँ और भाई भी आ रहा है। भाई की जो है उनका व्हीकल है वो नीचे है, निचले रोड पे लगा हुआ, मेरा ऊपर वाले रोड पे। तो मैं ऊपर से जा रहा हूँ और नीचे से आ रहे हैं, और अभी कार्तिक भाई के पास जा रहे हैं, पर देखते हैं वहाँ पर वॉशिंग वगैरह करवाते हैं, अगर वहाँ वॉशिंग हो जाती है। तो रास्ते में ही हूँ, जा रहा हूँ ऊपर अपने बीच के पास। और हाँ, एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, अभी वो आप लोगों को मैं सड़क में ही जाके दिखाऊंगा क्या सरप्राइज़ है। मतलब काफ़ी सारे सरप्राइजेज है, दो तीन सरप्राइजेज है आपके लिए। एक तो ऐसा है कि ये तो काफ़ी लेट ही रिवील करेंगे, बाकी दो सरप्राइजेज अभी आपको दिखाते हैं। पहला तो मैं आपको यहीं दिखा दूंगा और दूसरा कार्तिक भाई की शॉप के पास दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं यहाँ से और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और भाई, अब भाई को फुल सपोर्ट करना। अब जो आप कह रहे थे कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी सब कुछ इम्प्रूव होगी, और बताना कि हुई या नहीं हुई है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कार्तिक भाई की शॉप पर, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं सड़क में, ये रहा अपना डमरोग। तो अभी दिखाता हूँ आपको सरप्राइज है जो आप लोगों के लिए। ये क्या है गाइस, चेक कर रहे हो, ये रहा अपना बीस्ट, ये वैनम है अपनी। सोच रहा हूँ यार इस पर भी वैनम लिखा दूँ, क्योंकि पूरा वैनम लग रही है भाई, ब्लैक एंड वाइट। वाइट इसमें बस शॉकर ही और नंबर प्लेट ही है, तो चेक कर सकते हैं आप यार, क्या प्यारी लग रही है। अभी धुली नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी गंदी होगी, अभी इसको वॉश करवाते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को फुल। तो अभी चलते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं नीचे की तरफ, होगी अपनी बीस्ट अभी स्टार्ट होगी। आजकल साउंड में भी कुछ इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी ले ली है क्लास, अब साउंड भी थोड़ी सी कम ही होगी इसकी। तो अभी निकल चुके हैं यहाँ से डमरोग से, बाकी चेक करो आप यार, व्यू काफ़ी प्यारा है हमारे सोलन का वेदर मैंने ऐसे चेक किया है यार, कि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, मतलब मीडियम सा वेदर है यहाँ का। नहीं तो ऐसा यार, अब जैसे चंडीगढ़ जाते हैं तो चंडीगढ़ में गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाती है, शिमला जाते हैं तो शिमला में ठंडी बहुत ज़्यादा लग जाती है, बट सोलन का वेदर ऐसा है, मैंने सबसे अच्छा वेदर देखा है सोलन का। यहाँ ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, कुछ नहीं है भाई, मीडियम सा वेदर है। तो बस यहाँ पर इसी वजह से मज़े आते हैं। अभी कुछ दिन में मैं घर भी जाने वाला हूँ, घर में जाके आपको ब्लॉग दिखाएंगे, काफ़ी ख़तरनाक से ब्लॉग जाने वाले, क्योंकि मैं गाँव में अपने घर का काम करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे तबाही काम होने वाला है अभी, मतलब खर्चा बहुत होने वाला है। पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, जब पिछले साल मैं घर गया था, पिछले साल भी मैंने आपको काफ़ी सारा काम दिखाया था, पर इस बार थोड़ा उससे ज़्यादा है काम। तो क्योंकि अब मार्च अप्रैल तक अपना घर का काम भी शुरू होने वाला है, मैं नए घर बना रहा हूँ, तो वो भी आपको सब कुछ दिखाएँगे धीरे धीरे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, ये अभी आपका डमरोग है यहाँ पर, अभी डमरोग में ही हूँ मैं, तो कोटो होते हुए निकलेंगे आगे से और नीचे कार्तिक भाई के पास जाएँगे, मेरेडियन के पास, जो शांति भाई पास वाला न्यू रोड कटा है वहाँ पे उनकी शॉप है भाई, आप लोग आओ विज़िट करो, काफ़ी अच्छा मैकेनिकल वर्क होता है वहाँ पे बाइक्स वगैरह का, तो आप लोग आओ अगर आप लोगों ने काम करवाना है। तो मैं अभी यहाँ से निकल चुका हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नीचे ही, क्योंकि ज़्यादा ध्यान दूंगा व्लॉगिंग के ऊपर, तो कहीं ऐसा ना हो कि साला ठुक जाए, तो वही सीन है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नीचे, और बने रहिए आप लोग यार मेरे साथ व्लॉग में, और इस व्लॉग को पूरा इन्जॉय करना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा व्लॉग देखना। वैसे है तो ऐसा कुछ नहीं, अगर होगा कुछ इंस्टेंट कुछ होगा हमारे साथ तो वो कंटेंट बन सकता है, बाकी कंटेंट ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। कंटेंट यही है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं व्लॉगिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो यही कंटेंट है, बाकी देखते हैं नीचे जाके कुछ मिलता है या नहीं। आप तब तक बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। दिक्कत हो रही है भाई, 1500 का शीशा है, बंदा हेलमेट ले ले, और यहाँ पर तो भाई शीशे ही 1500 के। तो ये चेक करो गाइस, यहाँ पर है अपने भाई, चेक करो। अब यहाँ पर यार बाइक लगाए तो लगाए, पर लगाए कहाँ लगानी है भाई। तो ये है वो दूसरा सरप्राइज़, आप चेक कर सकते हो, ये हमारा वेनम 2.0, ये देखो यहाँ पे चेक करो। अभी थोड़ी सी हालत इसकी भी ख़राब है, इसको भी करवाएंगे कुछ टाइम में ठीक। कहाँ पे? तो अभी लगाते हैं इस बाइक को और यहीं पे ही धुलाएंगे, इसकी वॉशिंग करते हैं। अब कार्तिक भाई डब्बा,
अभी जाते हैं पार यार, कार्तिक भाई से डब्बा लेके आते हैं, क्योंकि बगैर डब्बे के तो धुलेगी नहीं कुछ। डब्बा तो क्या, बोतल ही मिल जाए तो ये उसी से ही काम चला लेंगे। और इसके लिए मेरे को रबड़ भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अब गर्दन मेरे को बहुत ऊपर रखनी पड़ रही है। मेरे को पता भी था फिर भी मैं भूल गया ये यार। अब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होती जाएगी। यहाँ देख सकते हैं यार, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट खुल चुकी है। बाकी ये निचला रोड तो आपको पता ही है, शांति बाईपास वाला अपना रोड। अब चलते हैं यहाँ ऊपर की तरफ। कार्तिक भाई, हाँ क्या हाल कार्तिक भाई, कार्तिक भाई चेक कर रहे हो गाइस, चेक कर रहे हो गाइस, चेक कर रहे हो गाइस, क्या कर रहे हो यार? मेरे को एक डब्बा सा तो दो पानी डालने के लिए, यहाँ पार धोते हो पानी डालना, डालना डालने के लिए बोतल ही दे दो कुछ पुरानी है अगर है। आपके क्या हो गया परे वॉशिंग में? अभी मिल चुका है मेरे को ये रही, यहाँ पे बॉटल ही लाई मैंने काट के, क्योंकि अब डब्बा तो यार मुश्किल ही है कहीं मिलेगा। अभी काम देखो यार आप, नेक्स्ट लेवल चल रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल। लोग घरों पे घर बना रहे हैं, कोई ना हम भी बनाएंगे यार, अपना भी टाइम आएगा। ऐसा भी क्या ही हो गया, अभी करते इसको बाइक को फुल वॉश, बाइक को भी और अपनी स्कूटी को भी, वैनम और वैनम 2.0। सोच रहा हूँ मैं भी इन पे दोनों पे नाम लिखा दूँ। यहाँ पे लगाते हैं और धोते अपनी बाइक। अब वही वाला सीन है कि हाँ, 4-5 साल नहीं सॉरी 6-8 मंथ पहले भी हमने ऐसे ही धोई थी अपनी बाइक, और आज फिर अभी करते हैं ज़रा इसकी धुलाई थोड़ी सी। चलो बाबा ईशा ने बैठो, उठ जाओ उठ जाओ। तो फाइनली वॉशिंग हो चुकी है शुरू, पहले करेंगे स्कूटी की, इसको साफ़ करते हैं। वैसे भी ये भी काफ़ी टाइम से धोई नहीं है, क्योंकि कार्तिक भाई का वॉशिंग सेंटर यार काफ़ी टाइम से बंद है, उनकी कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर उसके बाद धुलाएंगे ये अपनी बाइक, ये लगी अपनी वैनम यहाँ पे, चेक करो फिर इसको धुलाएंगे एक बार। चेक करो यार गाइज, आप इसकी लुक चेक करो और बताना कमेंट करके यार कि कैसी लगी आप लोगों को। बाकी वैसे तो काफ़ी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखी होगी, मैंने पिक्चर्स डाली है इसकी, बाकी आप ब्लॉग में भी चेक करो। चलो गाइज अब धोते इसको, करते इसकी वॉशिंग। वैसे भी काफ़ी टाइम से काफ़ी गंदी हो चुकी थी ये। भाई इतने बुरे दिन आ गए कि अपनी बाइक अब खुद धोनी पड़ रही है। चेक कर रहे हो आप लोग कैसी हालत हो चुकी है हमारी। भाई तो लगाई अपनी स्कूटी धोने, और अपनी बाइक तो आपको पता ही है भाई, खुद ही धोनी पड़ेगी। मुझको लगा नहीं इतनी झाग बनेगी, बट बन गई है एटलीस्ट। आप देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है यार बाइक पे, काफ़ी टाइम से नहीं धुली है ये। मे बी 1-1.5 हफ्ता हो गया होगा इसको जो ये धुली नहीं है। कोई ना वॉशिंग करते हैं और उसके बाद आपको फुल दिखाते हैं साफ़ करके। तो भाई लोग अभी स्कूटी की वॉशिंग हो चुकी है और अपने बाइक की वॉशिंग चली है। तो भाई अभी पानी मार रहा है, और भाई देख रहे हो क्या चमक रही है भाई बाइक। अच्छे से दो भाई, अच्छे से, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए बाइक में। प्यार हो जाए भाई बाइक से कतई। तो कुछ विशेष टिप नहीं कहना चाहेंगे आप? कोई विशेष टिप नहीं है, लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, फैला दो भाई, आग लगा दो आग। तो चेक करो भाई लोग अपनी बीस्ट यहाँ पे दोनों लगी हुई है, वॉशिंग कराने के बाद काफ़ी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पे इनके शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं छोटी छोटी करके, और बाइक देख सकते हो यार आप काफ़ी प्यारी लग रही है। बाकी कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसे लगी। वैसे कलर इसमें यही कलर दोबारा होने वाला है, क्योंकि ये भी उतना अच्छा नहीं हुआ है। पिछला जब टायर चेंज किया था तो फिर इसका जो कलर था वो उतर गया था, और कलर अभी इसमें दोबारा करवाएंगे अभी कुछ ही टाइम में। अभी थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम है, तो उसके बाद जैसे ही वो सॉल्व हो जाती है उसके बाद इसमें दोबारा कलर होगा। और ये भी है हमारी यहाँ पर स्कूटी, ये भी दोबारा इसमें डेंटिंग पेंटिंग दोबारा होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत ये भी ख़राब हो चुकी है। इसके भी 1-2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, क्योंकि वैसे काफ़ी पुरानी है ये,
तो इसका भी करेंगे हम दोबारा से। तो अभी बनाते हैं इनकी शॉर्ट्स वीडियो और वो आपको देखने को मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। बाकी आप लोग बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, इस व्लॉग को पूरा इंजॉय कीजिए, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और यार अब दोबारा से शुरुआत करें तो भाई लोग प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा सपोर्ट दिखाए अपना और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर गैंगस्टर हमारे। तो बहुत टफ है यार भाई बिल्ली मारना, पर कोई ना ट्राई करेंगे, हम भी सीखेंगे। नहीं तो हमने तो ऐसे भी बिल्ली और कुत्ते ही मारे हैं, क्या पता बिल्ली भी ट्राई कर लेते। ये सब बोलते हैं कि भाई हाँ राइडिंग करते हो, राइडिंग करते हो, स्टंट मारने आते नहीं है। कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बिल्ली भी करेंगे, शॉपी भी करेंगे, ट्राई करते। वैसे बाइक बहुत ज़्यादा भारी है यार, उठाना मतलब उतना ईजी नहीं है इसको, बहुत ज़्यादा भारी है, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा अब इसको उठाने में। तो कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे करके। मैंने पहले भी ट्राई की थी, मतलब थोड़ी सी उठ जाती है, मतलब ज़मीन से इतनी सी उठाई जाती है बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा भारी है यार। बाकी जो तो उठाते हैं उनका तो आपको पता ही है भाई कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की, उनको एक्सपीरियंस है तो वो उठा लेते हैं। हम भी धीरे धीरे ट्राई करेंगे। तो अभी आपको पता है कि भाई निचले वाले रोड पे थे हम, यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो बना रहे थे अपने लिए, तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ से निकलते हैं रूम की तरफ और इसका व्लॉग का भी हम एंड रास्ते में जाते जाते कर देंगे, क्योंकि भाई जा रहा है जॉब अपनी और मेरे को जाना है रूम, क्योंकि मेरी भी 4 बजे से जॉब शुरू है। तो मैं 4 बजे जाऊँगा, अभी रूम जाते हैं, रेस्ट करते हैं। बाकी यार ब्लॉग इसी तरह आते रहेंगे, डेली तो नहीं बोलता बट ये है कि हाँ वीक में 2-3 ब्लॉग आते रहेंगे। बाकी जैसे कि आपने मैंने आप लोगों को बताया कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर पे काम है, तो वहाँ पे आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे, 4-5 दिन जितने भी लगते हैं डेली ब्लॉग। जैसे आपको हमने पिछली बार भी जनवरी में दिखाए थे, हमारे पार्टियाँ वगैरह लगा रहे थे सेब के और प्लॉट कटिंग का चला था, तो अभी भी सेम ही वैसा ही कुछ है बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप लोगों को घर जाके दिखाएंगे। बाकी जब तक सोलन में तो यहीं के ब्लॉग दिखाएंगे। बाकी हाँ आपको अब जो नया आने वाला है ब्लॉग का वो है भाई जोमेटो वाला, क्योंकि मैं जोमेटो में जॉब करता हूँ, तो अब उससे रिलेटेड ही आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। देखेंगे डेली एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है, हमारा डिलीवरी देने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसी बाइक पर मैं अभी देने वाला हूँ, क्योंकि यार आपको पता है कि इस पर थोड़ा सा वो ज़्यादा बनता है अपना कि हाँ लोग देखते हैं यार कि नहीं यार बंदा ड्यूक पे और डिलीवरियाँ दे रहा है, तो इसी पे ही बनाएंगे अभी। बाद में देखते हैं स्प्लेंडर लेने की भी सोची, अगर बनेगा कुछ एक और ले लेंगे भाई, हमने तो इकट्ठे ही करने हैं, 2 कर दिए, एक मैंने कर दिया, एक भाई ने कर दिया, अब एक और लेंगे, क्योंकि यार अगर मैं इसी पर डिलीवरियाँ कंटिन्यू मारता रहा तो ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। बाकी कुछ टाइम के लिए इसी पर ब्लॉग आएंगे आपके लिए जो डिलीवरी वाले होंगे, बाकी फिर देखते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे, इनकम आनी शुरू होगी तो करेंगे कुछ और, करेंगे आप लोगों के लिए ट्राई। बाकी फ़िलहाल इसी पर ही है ब्लॉग को, करते हैं यहीं पर एंड। और इस ब्लॉग को पूरा देखना, वैसे इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं बट यही है कि अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की, आज मेरा पहला डे, कम से कम 5 मंथ पहले की जो हमारी लास्ट वीडियो है, भैया जो टायर लेने गए थे नीचे, इसके लिए जो टायर लेके आए थे वही थी लास्ट वीडियो, उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है, उसके बाद ये पहली वीडियो है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बताना, तो इसमें हमारी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी है, जो वीडियो क्वालिटी आप लोग कह रहे थे कि हाँ वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है आप लोगों की, और साउंड क्वालिटी सब कुछ इम्प्रूव हो चुकी है इसमें। अब देखते हैं, अब कंटेंट ही ढूंढने हैं हमारे को, बाकी मैं तो अब जोमेटो में ही ढूंढूंगा, तो देखते हैं यार। बाकी आप लोग इस व्लॉग को पूरा इन्जॉय कीजिए और व्लॉग को करते यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।